इंडियन सीजन 12 के मंच पर आप कभी भी नहीं दिखाई देंगे सवाई भट्ट, क्योंकि सवाई भट्ट का शॉकिंग इविक्शन हो चुका है। सवाई भट्ट शो से बाहर निकल चुके हैं। सवाई भट्ट अब उन्होंने बाहर आते ही शो से उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और साथ ही साथ उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए, बहुत सारी बातें बताते हुए उन्होंने कई सारे मुद्दों को छेड़ा है। आज के खास रिपोर्ट में हम आपको यही बात बताएंगे दोस्तों कि सवाई भट्ट का इविक्शन के बाद उनका पहला रिएक्शन कैसा था। लेकिन इससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए आप सभी दर्शकों को बताते हैं कि क्या क्या होने वाला है आने वाले एपिसोड में खास, और साथ ही साथ सवाई भट्ट शो से बाहर निकलकर उन्होंने क्या कहा, पहला रिएक्शन उनका कैसा था। सबसे पहले सवाई भट्ट का पहला रिएक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे दोस्तों। तो सवाई भट्ट शो से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कई सारे न्यूज चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्हीं में से एक चैनल था हमारा भी, और हमारे न्यूज चैनल से बात करते हुए सवाई भट्ट ने कहा, सबसे पहले तो काफी इमोशनल होते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ उनके इविक्शन से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे सवाई भट्ट। और सवाई भट्ट काफी उदास चेहरे के साथ उन्होंने ये कहा कि उनके इविक्शन से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्हें ऐसा लगता था कि वो शो में बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, फिनाले तक जाएंगे, फिनाले में ट्रॉफी को अपने नाम पर करेंगे। हालांकि इसके बाद सवाई भट्ट ने इसी बात को एक अलग तरीके से भी पेश किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं यहाँ तक आया और यहाँ तक आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं काफ़ी खुश हूँ अपने परफॉर्मेंस से। जिस तरह से ऑडियंस मुझसे कनेक्ट कर रही थी, इंगेज कर रही थी, ऑडियंस ने जिस तरह से मुझ पर जो है प्यार लुटाया, ये काफ़ी काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ मैं उन सभी प्रशंसकों को पूरी तरह से धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मुझे प्यार किया, मुझे वोट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। और साथ ही साथ काफ़ी भावुक होते हुए दिखाई दिए सवाई भट्ट। सवाई भट्ट काफी इमोशनल इंसान हैं और साथ ही साथ काफी गरीब हैं और उनकी गरीबी की वजह से भी कई बार ट्रोलर्स के निशाने में आ गए सवाई भट्ट, जानबूझ के आ गए या फिर अनजाने में आ गए, इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन सवाई भट्ट जो हैं, सवाई भट्ट काफ़ी टैलेंटेड होने के साथ साथ काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी कंटेस्टेंट है इंडियन आइडल सीजन 12 के। और बाकी के कंटेस्टेंट में से कौन होगा विनर, जब हमने उनसे ये पूछा तब उन्होंने बहुत ही जवाब जो है वो तोड़ मरोड़ के उन्होंने पेश किया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सारे के सारे कंटेस्टेंट जो हैं काफ़ी टैलेंटेड हैं और कोई भी जीत जाए उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे के सारे टैलेंटेड, उनके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं सारे के सारे कंटेस्टेंट और काफ़ी अच्छा गाते हैं। इस तरह का उन्होंने अपने इंटरव्यू में बयान दिया। वेल दोस्तों, आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वाकई में सवाई भट्ट का दिल जो है सोने का पत्थर जैसा है, पारस का पत्थर जैसा है, और साथ ही साथ जितना अच्छा वो गाते हैं क्लासिकल सिंगिंग में, उनको जिस तरह से महारत हासिल है उतनी ही उनकी वाणी भी मधुर है। और उनकी वाणी मधुर है इस बात का जो नमूना है उस उन्होंने अपने इंटरव्यू के जरिए उन्होंने बता दिया सारे दुनिया वालों के सामने। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही।